हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड. वी आर गोइंग टू स्टडी मैथ्स. टेक आउट योर मैथ्स बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 46. ओके, स्टार्ट. एड द फॉलोइंग एंड राइट देयर नंबर नेम्स. एक आपका क्या हुआ है, नेक्स्ट वंस टेंस हंड्रेड. ओके, आज हम एड देखेंगे. स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड. फोर एंड सिक्स, इट बिकम्स टेन. It becomes 10, right? 0 here and give 1 carry here. Now add 5 and 3, it becomes 8 and also and carry 1 in it, it becomes 9, right here 9. Now add 2 and 5, it becomes 7, right here 7. Hence the answer is 790. 790. इसमें हम नंबर नेम्स में लिखेंगे एस ई वी ई एन सेवन एच यू एन डी आर ई डी 700 एन आई एन ई टी वाई 790. नेक्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड एंड 7 एंड 4 इट बिकम्स 11. ओके, 1 right here and give 1 carry here. Now add 6 and 3, it becomes 9 and also and carry 1 in it, it becomes 10. Okay, write 0 here and give 1 carry here. Now add 3 and 3, it becomes 6. It becomes 6 and also and carry 1 in it, it becomes 7, right here 7. Hence the answer is 701. S E V E N 7 H U N D R E D 100 O N E 1, right? 701. Okay, इस तरह आप इसे कंप्लीट करेंगे. एट द फॉलोइंग वंस टेंस हंड्रेड. वंस के प्लेस पे सॉरी 3 5 3, 2 5 2, 1 5 1 प्लस. ओके, अब हम इसे ऐड करेंगे और इसे नंबर नेम्स में लिखेंगे. स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड. नाउ ऐड 3 5 3, it becomes 11. Okay, write 1 here and give 1 carry here. Now add 2 5 2, it becomes 9 and also and carry 1 8, it becomes 10. Write 0 here and give 1 carry here. Okay, now add 1 5 1, it becomes 7 and also and carry 1 in it, it becomes 8, right here 8. Hence the answer is 801. Okay, अब हम अपने बुक में से वर्क कंप्लीट करेंगे. ये आपका एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हुआ, ये हमने आपको बताया. नेक्स्ट है हमारा ऐड करेंगे 8 4 3, it becomes 15. Okay, write 5 here and give 1 carry here. Okay, now add 4 and 2, it becomes 6 and also and carry 1 in it, it becomes 11. Write 4 and 6 is become फिर से स्टार्ट कर देते हैं. स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड 8 4 3, ऐड करेंगे 8 4 3 8 9 10 11 12 13 14 15, राइट हियर 5. ओके, एंड गिव 1 कैरी हियर. एंड 4 एंड 2, इट बिकम्स 6 एंड आल्सो एंड कैरी 1 इन इट, इट बिकम्स 7, राइट हियर 7. ओके, 4 ऐड करेंगे. नाउ ऐड 4 4 and 1, it becomes 9, right here 9. Hence the answer is 975. Sir, आप सेम इसे करेंगे.
और इसे आप HW में कर लेंगे और ये भी वर्कशीट HW, आप इसे बैठ के वर्क सारा कंप्लीट करेंगे। अब हम आते हैं अपने वर्ड प्रॉब्लम पे। हिना बाउट अ बुके ऑफ फ्लावर्स फॉर 150 रुपी एंड अ बास्केट ऑफ एप्पल्स फॉर ₹208। फाइंड द टोटल मनी शी स्पेंट। हिना जो है वो एक बुके लेती है फ्लावर्स का जो उसमें बुके लेती है और उस वो कितने का होता है 150। तो राइट हियर 150 एंड एप्पल्स जो खरीदती है वो बास्केट में जो एप्पल है तो वो 208 का। तो टोटल मनी उसने कितना पैसा खर्च किए ऐड करके देखते हैं। 8, 5, 2, 1 and 2 it becomes 358। तो टोटल मनी 358। नेक्स्ट, देयर आर 180 बॉयज एंड 222 गर्ल्स इन अ क्यू। यानी कि ये जो लाइन बनी हुई है इसमें 180 बॉयज है एंड 222 गर्ल्स की एक लाइन है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन, तो बताइए सारे मिलाकर इसके कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हम पहले लिखेंगे 1 बॉयज 180 गर्ल्स 222। ऐड कर देंगे 0, स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड 0 0, इट बिकम्स 0, 8 एंड 2 इट बिकम्स 0 एंड गिव 1 कैरी। नाउ एड 1 एंड 2 इट बिकम्स 3 एंड आल्सो एंड कैरी 1 इन इट इट बिकम्स 4। तो टोटल स्टूडेंट्स 400। ओके, केट बाउट 1 किलोग्राम राइस फॉर 30 एंड 1 किलोग्राम एप्पल्स फॉर 35। फाइंड द टोटल अमाउंट शी स्पेंट टू बाय राइस एंड एप्पल। केट जो है वो खरीदता है 1 किलो राइस यानी कि 1 किलो राइस खरीदता है और 1 kg एप्पल्स। तो 1 किलो राइस कितना होता है 30 का, तो हम लिखेंगे राइस 30 और एप्पल्स 35। अब पूछता है कि राइस और एप्पल्स को खरीदने में कितने पैसे खर्च हुए, तो ऐड करके देखते हैं। 0 and 5 it becomes 5, 3 and 3 it becomes 6, this spend money 65। ओके, टोटल कितने उसने पैसे खर्च किए 65। ओके, इस तरह है 1 2 3। नेक्स्ट है, देयर आर 326 बुक्स एंड 270 कॉपीज लोडेड इन अ ट्रक। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स एंड कॉपीज आर। टू इस ट्रक में 326 बुक्स है और 227 कॉपीज है। तो बताइए टोटल बुक्स एंड कॉपीज कितने हैं। पहले हम लिखेंगे 326 बुक्स है एंड कॉपीज 270। ऐड करके देखेंगे 6, 7, 2 and 7, 9 and 3 and 2 it becomes 5। तो 596 उसने कितने बुक्स हैं 596। ओके, तरह आप इसको और इसे आप अपने खुद से अपने बुक में से सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 4 सब्ट्रैक्शन। तब तक आप सब अपना बुक अपने अपना वर्क अपने बुक में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।